आना और जाने का मिलकर भट्टी 9 दिन की होती है और आना और जाना दोनों मिलके ये बातें सब जगह के लिए लागू होती है, परंतु ये कंपनी और फरुखाबाद के लिए कैसे लागू होती है? क्यों? क्योंकि उनके लिए तो 9 दिन तो नहीं होती है। कितने दिन होती है? और इनको तो 9 दिन पूरा नहीं होता है फरुखाबाद वालों के लिए। फरुखाबाद वालों के लिए 9 दिन पूरे नहीं होते। क्यों? अच्छा, और जो अमेरिका से आते हैं उनके लिए? उनके लिए कितने दिन पूरे होते हैं? अमेरिका से आते हैं उनके लिए कितने दिन होते हैं? नजदीक आने से ज्यादा याद आती है और नजदीक से दूर जितने चले जाते हैं उतना याद कम होती जाती है। क्या मूल तो 7 दिन है, 1 दिन जाना पहुंच गए, उसके बाद 6 दिन बीच में, 5 दिन बीच में, 5 दिन बीच में तो 5 और 1 6, और जिस दिन वहां से निकले वो 7वां दिन, और फिर जितना दूर जाते जाते हैं वो याद हल्की होती जाती है। आप दुनिया में जितने घूमते रहेंगे तो दूर ही होते जाएंगे ना। फिर तो प्लान बनाया जाने का, तो स्मृति आने लगी ना 1 दिन पहले से। तूफान नहीं आएंगे, अमृत वेले माया के तूफान नहीं आएंगे। हैं? ऑडियो कैसे से बोला था? कौन से बाबा ने? हैं? माया तो कभी भी अटैक कर सकती है। अमृत वेले अच्छी याद आती होगी तुम्हारी। अरे फिर क्यों कहती है कि माया के तूफान नहीं आएंगे? एक ही दिन में 500-700 करोड़ मान जाएंगे? हैं? अंत कब होगा? अंत तो संगम युग का अंत होगा, तो सारी दुनिया का अंत हो जाएगा। बाप की प्रत्यक्षता, बाप की प्रत्यक्षता पहले कितने लोगों को होगी? हैं? कितने को? पहले कितने को होगी? 8 को होगी, और 8 के बाद फिर जो दूसरी माला आएगी उसमें टाइम नहीं लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा या लंबा टाइम लगेगा? फिर विजयमाला बनने में, रुद्रमाला और विजयमाला दोनों के मणके ऐड होने में उतना तो टाइम लगेगा जितना ब्रह्मा बाबा को 10 साल पूरे हों। और 18 से लेकर 28 तक का टाइम है ना। तुम
तुम्हारे पूछने का मतलब क्या है? ये जो पंखा ज्यादा आवाज करता है उसको बंद कर दो, ये ज्यादा आवाज कर रहा है। जैसे कोर्स में प्रश्न आया था कि तीनों मूर्तियों को उनके वास्तविक रूप में कब तक सारी दुनिया के अपना मान जाएंगे? सारी दुनिया की छोड़ दो, वो तो सारी दुनिया की जो 500-700 करोड़ की जो लास्ट आत्मा होगी वो तो जब मान जाएगी तो विनाश हो जाएगा टोटल। सौ साल का संगम युग पूरा हो जाएगा। छोटी मम्मी का जो भी पार्ट है ना, जिसमें जो भी छोटी माँ का पार्ट है वो बहुत कम उम्र में शरीर छोड़ दिया, उन्होंने छोटी माँ ने कम उम्र में शरीर छोड़ दिया। अस्सीवादी में भी जल्दी शरीर छोड़ा है, सही में जल्दी शरीर छोड़ा ना अस्सीवादी में। तो क्या हुआ? इससे क्या हो? तो अपना अपना पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, पूर्व जन्म के हिसाब किताब के अनुसार कोई कम आयु लेता है, कोई लंबी आयु लेता है। कम आयु में ही करिश्मा करके दिखा देता है, इससे क्या बात, क्या साबित करना चाहते हैं? आखिरी ट्रेन चलेगी। हाँ, मैं समर्पित बहने एक ही जगह इकट्ठी हुई पड़ी है क्या है? अलग अलग जगह तो अलग अलग जगह से ट्रेन चलेगी ना। उनको भी टंकाल ही आएगा या बाबा इशारा देगा? टंकाल तो उनको आएगा जिनका दिल नजदीक होगा बाबा के, सबको थोड़ी आ जाएगा। है कंकाल माने इशारा, बाबा उनके पास जाने के लिए पैसे ले रहे हैं, उनके पास पैसे जाने के लिए पैसे नहीं मिल सके। सन्यासियों के पास पैसे नहीं होते हैं तो कैसे जाते हैं इधर उधर? तो भाई होते हैं, हैं? तो भाई लोग होते हैं इसलिए एक ट्रेन से करते हैं। ये रुद्रमाला की मन के भाई नहीं है, ये तो जन्म जन्म अंतर के भाई है, संस्कार ही इनके भाई के हैं। शरीर से कन्या माता है लेकिन आत्मा से मन बुद्धि से क्या है? शरीर ज्यादा पावरफुल या आत्मा ज्यादा पावरफुल? ज्यादा पावरफुल कौन है, है? आत्मा ज्यादा पावरफुल है। पहले की बात है या कल की बात? की बात क्या? एक घंटा लाना ब्रह्मा बाबा की जब प्रत्यक्षता हुई ब्रह्मा के रूप में तो कौन से सन की बात थी? 47 की बात थी। और प्रजापिता में जब प्रत्यक्षता हुई तो कौन सन की बात है? 76 की। अभी तो लास्ट प्रत्यक्षता होनी है, और एक की प्रत्यक्षता होगी या तीनों मूर्तियों की होगी? तीनों मूर्तियों की होगी। तीनों मूर्तियों की जो प्रत्यक्षता होगी तभी तो राजधानी स्थापन होगी। मैं अकेला नहीं आता हूँ, तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ। ब्रह्मा में जो प्रत्यक्षता हुई
या राम वाली आत्मा में जो प्रत्यक्षता हुई वो तो ऐसे है जैसे गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है। और ये तो सच्चम सच शिव जयंती है, ब्रह्मा कुमारियां तो मनाती हैं सिर्फ, जानती नहीं कि असली जय जयकार कब से हुई। शिव जयंती में कृष्ण की जयंती मिक्स कर दी है, रात को शिव की जयंती भी मना लेते हैं और कृष्ण की भी जयंती मना लेते हैं। इसका मतलब बाप और बच्चे की जयंती साथ साथ है ना। तो साथ साथ जयंती है, माना तीनों मूर्तियां इकट्ठी प्रत्यक्ष होंगी। और प्रत्यक्ष करने वाले कौन होंगे, कितने होंगे? जो राजधानी बनेगी उस राजधानी में कितने होंगे? है 8 ही होंगे। तो 8 ही तो हुए प्रत्यक्ष करने वाले, बाद में ऐड होते जाएंगे एक एक करके। जो आखिरी मणका है वो भी तो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? पहले जुड़ेगा कि बाद में जुड़ेगा? फिर उसको टाइम नहीं लगेगा। यथा राजा तथा प्रजा, राजा जुड़ेगा तो उसकी प्रजा भी जुड़ जाएगी। क्या नहीं होती? सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है जानवरों में। तो बाबा टाइगर में इतनी समझने की शक्ति कैसे होती है? वो नंबर वार होती है, बिल्कुल नहीं होती है, थोड़ा ही कहा। लक्ष्मी आधीन है या अधिकारी है? फिर बताया ना 108 मणकों में लक्ष्मी जो है वो सर्वोपरि अधिकारी है या नंबर वार? तो अंडर में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ जी, सीढ़ी के चित्र में पार्टधारी हनुमान को दिखाया। नेगेटिव पार्टधारी हनुमान और गणेश को दिखाया। नेगेटिव माने जानमेरियत का पार्टधारी। गणेश को लाइट दिखाई गई है। पूछ ज्यादा अच्छी होती है या सूंड ज्यादा अच्छी होती है? पूछ का पार्ट ज्यादा अच्छा है या सूंड का ज्यादा अच्छा पार्ट है? है सूंड का ही अच्छा है ना, वो ज्ञानेन्द्रिय है, वो कर्मेंद्रिय का पार्ट दिखाया गया है।
भट्टी करने में जो टीचर नियमित मतलब भट्टी कराना एक ही भट्टी होगा दो टीचर कोर्स कराने के नियमित मतलब कोई कोई पैदाइश ऐसी होती है जिसके दो दो तीन तीन माँ बाप पालने वाले होते हैं, जन्म देने वाले होते हैं, होते हैं कि नहीं है? जन्म देने वाला एक होता है, पालने वाले दो तीन होते हैं कि नहीं, तो उन्होंने बाद में पालना कर दी। और सीढ़ी में हाँ शिव बाबा बचाओ, हाँ हाँ टोपी लगाने में दिखाया, लगाते थे वो प्रसिद्ध ब्रह्मा कुमार, टोपी भी लगाता था, आजकल भी पहनता था, चूड़ीदार पैजामा पहनता था, फिर जब ये पॉइंट एडवांस में निकला तो उसने पहनना बंद कर दिया। लोकल टीचर मिनी मधुबनों में होते हैं, और मधुबन में जो आकर के टीचर बनता है वो मधुबन टीचर हो गया। तो लोकल टीचर में पालने वाले की लिस्ट में आ गया। लोकल टीचर तो किसी ने संदेश दिया होगा, उस संदेश की पालना कर दी उसने, संदेश देने वाले तो भाई लोग होते हैं मोस्टली, तो किसी भाई ने संदेश दिया, वो तो संदेश सुन करके आया कोर्स करने, उस मधुबन टीचर ने पालना दे दी। उसे कोर्स कहेंगे, भट्टी नहीं कहेंगे। बालिक कन्याएं हैं या नाबालिग कन्याएं आती है ना, उनकी वजह से जो सेवाधारी रहते हैं मधुबन में उनको भी कुछ कुछ झेलना पड़ता है। सरेंडर कन्याएं आती हैं? नहीं, नाबालिग कन्याएं सरेंडर होने के लिए आती हैं। आती हैं। नाबालिग कन्याएं भी आती हैं। हाँ, तो उनकी वजह से जो सेवाधारी रहते हैं मधुबन में उनको कुछ कठिनाई झेलना पड़ता है। झेलना पड़ता है, झेलना उनको पड़ता है जिनकी सेवा करने की दिल नहीं होती है। बच्चा पैदा होगा तो माँ को ये लगता है कि मुझे झेलना पड़ रहा है, प्यार जहाँ होता है वहाँ झेलने की बात आती है, झेलने की बात आएगी। फिर क्या किस बात की, बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी पालना नहीं की जाती है, उसे झेलना कहा जाता है ब्रॉड ड्रामा में। ब्रॉड ड्रामा में बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं, ठीक ये है कि जरूर नाबालिग कन्या है तो ज्यादा पवित्र है, बालिग हैं तो थोड़ी छांट लगी होगी। और जैसे अव्यक्तवाणी जब खत्म होती है, अव्यक्तवाणी ब्रह्मा अव्यक्तवाणी चलाते हैं, तब जब खत्म हो जाती है तो लास्ट में बाबा जो बोलते हैं मतलब जिस टॉपिक के आधार पर अव्यक्तवाणी चली वही टॉपिक को बोलते हैं, जैसे विश्व को हंसाने वाले सदा बाप की सेवा पर चलने वाले ऐसे बोलते हैं, तो वो क्या सुधरने के आस वाले बच्चों के लिए बोलते हैं? सुधरने के आस वाले बच्चों के लिए बोलते हैं, सुधरने वाले तो सभी हैं, सभी बिगड़े हुए हैं, लेकिन खास खास बात बता दी
ऐसे ऐसे बच्चों के लिए विशेष याद प्यार खासियत बता दी ना उन बच्चों की, सभी बच्चों के लिए नहीं, उन खास बच्चों के लिए। जिसके हाथ में चार्ज आ जाए। है किसका? हाँ माला दिखाई गई, उसमें जो बड़ा बड़ा फूल दिखाई गई हाथ में, तो उसका यादगार क्या है? जैसे नारायण है, नारायण को बड़े बड़े फूल दिखाए गए हैं, तो अष्टदेव उनकी विशेष सहयोगी नहीं है तो फूल नहीं हुए बड़े वाले, तो ऐसे ही लक्ष्मी के भी फूल हैं बड़े बड़े। लक्ष्मी के भी जन्म जन्मांतर की कोई विशेष आत्माएं हैं जो उनके लगातार सहयोगी बन के रहेंगी जन्म जन्मांतर, वो बड़े बड़े फूल हैं। महादेव तो सीरियल है ना, उसमें दिखाया कि जो विष्णु का जो कुंडल है उससे उसको महादेव ने अपने विष्णु के कारण जो काशी नगर की स्थापना की, उसका विष्णु का कुंडल उसको अपने त्रिशूल पे धारण किया और काशी नगरी की स्थापना, तो इसका अर्थ शास्त्रों में तो ढेर सारी अगड़म बगड़म बातें, भूसा भरा हुआ है, तुमने भूसा उठा लिया है। बाबा तो कहते जो बाबा ने बोला शास्त्र की बात वो सार है, अरे जल्दी जल्दी पूछो, हम तो समझते थे ढेर सारे प्रश्न होंगे। जो आठ जो है दिशा, हाँ दिशा है, हाँ आठ दिशाओं का दिग्पाल दिखाते हैं अष्टदेव, एक जो पता है छह दो क्या पता है, दो तो पता है ना, कौन कौन दो पता है? ईशान कौन, ईशान कौन कुबेर, हाँ हाँ, तो बाबा क्या पार्ट बताते हैं सबके? बाबा ने तो कहा मैं तो पार्ट नहीं बताऊंगा, है इसका क्या पार्ट बजने वाला है, वो अपनी करनी से, चलन से, दृष्टि से, वृत्ति से अपने आप अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगा, अपनी वाचा से प्रत्यक्ष करेगा। मैं थोड़ी बताऊंगा, अब बाबा नहीं बताएगा तो मैं क्यों बताऊं? काशी नगरी के लिए, काशी नगरी के लिए बाबा ने सारा इशारा दिया है ना, काशी नगरी के लिए सारा दुनिया में बाबा ने इशारा दिया है ना। हाँ हर तरीके से, काशी माने क्या? तेज, तेज किस बात का? याद का, और याद के आधार पर कोई कोई माता होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? बाबा ने टाइटल क्या दिया? बाबा ने कोई टाइटल दिया? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, योगिनी टाइटल दिया, तो जो योगिनी टाइटल दिया वो काशी के आधार पर ही दिया ना। तो जैसे उनका डिक्लेरेशन हुआ है, हाँ जैसे ये और आत्माओं का भी डिक्लेरेशन होना चाहिए ना, वो अपने मुख से क्यों प्रत्यक्ष करें? अपने मुख से क्या
बाबा ने बाबा ने तो इशारा दे दिया एक्स वाई जेड कौन, लेकिन अब जो जन्म लेकर के आ गया और उसमें वो गुण देखा, जिन्होंने देखा उन्होंने निश्चित कर दिया कि गुणों के आधार पर ये होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एडवांस का टाइम जो आया उस टाइम में देखा कि इसने ये ज्यादा सहन शक्ति धारण करने वाला है, तो सहन शक्ति के आधार पर योग की ताकत नहीं बढ़ती है, योग की ताकत भी बढ़ती है। वो देख करके दूसरों ने तो उसको निश्चित कर दिया, ये तो हमारे माता जैसे गुण है। दूसरे देखेंगे चलन को, वाचा को, धारणा को, वाइब्रेशन को, तभी तो बोलेंगे। लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी की प्रैक्टिकल चलन नहीं बताएगी, इसकी प्रैक्टिकल चलन अच्छी है। विष्णु का पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट है, ब्रह्मा का पार्ट बोलने का पार्ट है, शंकर का पार्ट समझाने का पार्ट है, तो लोगों को अनुभव नहीं होगा। अनुभव होगा तभी तो वो बोलेंगे रे, नहीं तो कैसे, और मानेंगे भी क्यों? प्रैक्टिकल में कुछ होगा तो मानेंगे। और फिर पार्ट पूछा, ये बाबा बताएंगे। नाम हुआ हर्षवर्धन, किसी को खुशी तो तभी आती है, दूसरों को खुशी तभी देता है जबकि वो त्याग करता है, त्याग से भाग्य बनता है, अपना भी भाग्य बनता है, दूसरों का भी भाग्य बनता है। तो जब भाग्य बनेगा तो खुशी नहीं आएगी। जो भाग्य बनाने वाला है वो खुशी में रहेगा, आंतरिक खुशी आएगी या नहीं आएगी, भले जेब में से सब कुछ निकल गया है, हाँ? मन की है चरित्र का जो गायन है वो भी चरित्रों में जाता है। हाँ ठीक है, बौद्धियों में जाना है। हाँ तो बौद्धि चरित्रवान नहीं है, सब धर्मों के मुकाबले जितने भी विधर्मी है उन विधर्मियों में सबसे ज्यादा चरित्रवान धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। यज्ञ के आदि में बहुत सी आत्माएं चली गई, शरीर छोड़ के चली गई ना, तो शरीर छोड़ को जाने जाने वाले जितने भी थे वो धार्मिक परिवार में जाके जन्म लेंगे या नास्तिकों के यहाँ जन्म लेंगे? श्रेष्ठ कौन है? नास्तिक श्रेष्ठ हैं या जिनके अंदर भावना है, आस्तिक हैं, धर्म के प्रति बड़ी आस्था है, उन परिवारों में जन्म लेंगे है? तो वो ही श्रीमंत हो गए। समाज में उनकी मान्यता है,
श्रेष्ठ मान्यता है, श्री माना श्रेष्ठ, मंत्र माने मान्यता। और कमल फूल दिखाया, हाँ 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 उल्टा है बाहर की दुनिया में, टीचर की दुनिया में रहकर उनसे प्राण रहती है, टीचर की दुनिया में ना उनकी दुनिया रहकर काम पाते हैं। तो कमल फूल का मतलब क्या है? अधोमुखी है, अधोमुखी पार्ट है, नीचे दुनिया देख रही है, तो नीचे जा रहा है या ऊपर है, पवित्रता की ओर जा रहा है या अपवित्रता की ओर जा रहा है? नीचे गड्ढे में जाना, जैसे गीता में बोला है, ना आत्मा नम अवसादयेत, आत्मा को अधोगति में न जाने दे। अरे तो सोने लगी। तो अधोगति में कब जाते हैं? है? नीचे जाते हैं माने गड्ढे में गए, ऊपर जाते हैं माने ब्रह्मलोक में गए। तो जो पार्ट है वो कमल फूल क्या दिखा रहा है? नीचे जा रहा है, जैसे ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा बाबा के समय में ब्रह्मा बाबा का पूरा कंट्रोल था ऑल इंडिया में, अब किसका कंट्रोल है? अब किसके कंट्रोल में है? दादाओं के कंट्रोल में, और एक एक सेंटर में एक दादा के दो चार दादा, पांच पांच दादा हैं, है? ज्यादा कंट्रोलर है ना, तो ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो फिर नीचे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जा रहे हैं, सबकी चिरौरी करनी पड़ेगी। समस्याओं से पास होने के लिए, हाँ, पास होने के लिए किस तरह का, अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, ये भी पूछने की बात है। ये कहें खराब पुरुषार्थ करना चाहिए, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, चारों सब्जेक्ट में, ज्ञान में भी, धारणा में भी, सर्विस में भी, याद में भी, और किसी ने पूछा कोर्स में, जैसे मिलिट्री वाले होते हैं ना, बॉर्डर में रहते हैं, देश की सुरक्षा है, तो दूसरे देश वाले अगर आ रहे हो तो वो अच्छे आदमी होते हुए भी गोली मार देते हैं। हाँ मतलब वो छुप करके आ रहे हैं, छुप करके आ रहे हैं माने बिना परमिशन के आ रहे हैं ना, पाप नहीं चढ़ेगा? क्यों पाप चढ़ेगा? जो दूसरे देश का आदमी है वो परमिशन लेकर के, परमिशन लेकर के आना, वीसा लेकर के आना चाहिए ना। और वो जासूस हो तो देश का नुकसान करेगा या फायदा करेगा? नुकसान कर जाएगा। आते आते
तो परमिशन लेकर के आओ ना, तुम्हारा अच्छा भाव है तो बेभाव क्यों आ रहे। और बाबा ने मुझे बोला था, बाबा ने मुझे बोला था कि जो सूर्य से रखे होंगे वही सूर्य की ताप को सहन कर सकते। ज्ञान सूर्य तो हमारा बाप है। जो बच्चा बाप की बातों को सहन नहीं कर सकेगा वो दुनिया में किसको सहन करेगा। है बच्चे में बाप का खून होता है या किसी दूसरे का खून होता है? है तो बाप के खून में गर्मी होगी तो बच्चे खून में गर्मी नहीं आएगी। और हाँ पेड़ पौधों के अंदर आत्माएं होती है, तो वो पाप कर्म तो नहीं करती, पाप कर्म करती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं कुछ पाप करते हैं कि नहीं? छोटे बच्चों को भी जेल में डाला जाता है ना, लेकिन उनका पाप जो है हल्का क्यों माना जाता है? बड़े आदमी की तरह उनको दंड नहीं दिया जाएगा, उनके अच्छे से पालना की जाएगी जेल में भी, क्योंकि उनमें अकल कम है। तो ऐसे ही पेड़ पौधों में अकल कम है। लेकिन जैसे कोई उनको काट देता है, काट देता है तो ऊपर सूख जाता है। दुख देना हुआ। हाँ हाँ, काट दिया जो हिस्सा वो हिस्सा ऊपर सूख जाता है। इसका मतलब आत्मा है ना, कनेक्शन है ना। लेकिन पाप आत्मा तो नहीं होता। पाप और पुण्य तो सारी दुनिया में फैला हुआ है, योग और भोग तो सारी दुनिया में फैला हुआ है, पेड़ पौधों में योग और भोग नहीं फैला हुआ है। पपीता है, एक होता है मादा, उसमें फूल ही फूल निकलते हैं। एक पपीता का वृक्ष ऐसा होता है जो फल देता है। दोनों दूर दूर है। मादा तभी फल देगी जब नर पौधा नजदीक में कहीं होगा, एक दो किलोमीटर के अंतर से। तो पराग खींच रहा है ना, सुख ले रहा है ना। आ? जो भक्ति करने के लिए आते हैं और उनकी बुद्धि खाने में लगी रहती है, जो यज्ञ का जो खाना है वो नहीं खाते हैं, तो उनकी कैसे बुद्धि है? वो ब्राह्मण होते हैं दो तरह के, एक धामा खाने वाले, एक ज्ञान सुनाने वाले, कथा करने वाले। तो कैसे ब्राह्मण बनेंगे? है जिनके जन्म होने के टाइम पर ही ऐसा हो रहा है, कैसे बनेंगे? धामा खाने वाले बनेंगे या ज्ञान सुनाने वाले बनेंगे? दाम खाने वाले बनेंगे। एक बार कोई ऐसी गलती होगी जिस कारण माँ बाबा की नजर उस नीचे गिर जाए, तो ऐसी गलती हो जाए जिस कारण माँ बाबा की नजर उस नीचे गिर जाए, तो दोबारा नजरों में चढ़ जाए तो उसकी मतलब उसमें क्या निशानी दिखाई देती है, क्या मुद्दे? एक बार की गलती तो बाबा माफ करते हैं ना। कोई ने गलती की और गलती करके लिख करके देता है तो पहली बार तो माफ किया जाता है ना। हाँ, आधा माफ होता है, आधा हल्का हो गया वजन तो योग बल से खत्म कर दो। अब वैसी गलती नहीं, कोई दूसरी गलती बार बार करता रहता है, तीसरी गलती कोई बार बार करता है, चौथे प्रकार की गलती करता है तो नीचे ही गिरेगा ना।
स्थापना में तीन आत्मा हाँ हाँ आया जिसमें प्रवेश किया वो भी आधार वो आधार हो गया तो उनमें भी तीन है सिद्धार्थ सुद्धोधन हाँ हाँ सुद्धोधन बिंदुसार तो उसका भी बाप हुआ हाँ तो डाडे हो गया ना हाँ उसका सिद्धार्थ का बाप हाँ सिद्धार्थ का बाप है लेकिन सिद्धार्थ इस आधार में साधन है सिद्धार्थ इस आधार में साधन है ना सिद्धार्थ आधार मूर्त है जो कि बेसिक में है हैं बेसिक में है ना हाँ हो सकता है बेसिक में है सुद्धोधन बीच में बीज है जो बीज है वो रुद्रमाला में है रुद्रमाला में अलग अलग धर्मों के बीज हैं वो बीज मुखिया बीज हो गया बौद्ध धर्म का जिसे रतन कहा जाता है बारह बारह के मणके हैं नौ प्रकार के मणके हैं तो नौ बीज हो गए तो नौ बीजों में से सुद्धोधन भी एक बीज है बौद्ध धर्म का सुद्धोधन का बाप है वो तो सभी धर्मों का बीज है तो डाडे है डाडे का वर्षा मिलता है सभी को और लेकिन अवस्था भी इतनी नहीं बनी मन बुद्धि से अगर याद आ रहा है थोड़ा बहुत अवस्था तो किसी की नहीं बनी ना मन बुद्धि से तो याद आती होगी तो मन बुद्धि से बच्चों को याद करते होंगे माता तो उसकी भी शूटिंग चंडाल बनने की हो जाती है मैं चंडाल भगवान को नहीं मानते दुनिया में जो चंडाल होते हैं भगवान को याद नहीं करते कोई न कोई रूप में तो याद करते हैं कहते बंगी लोग जो हैं वो महाकाली की ज्यादा पूजा करते हैं चोर डकैते हैं वो भी महाकाली की ज्यादा पूजा करते हैं तो कोई कितना भी नीचे गिरा हुआ है भगवान तो को तो याद करेगा ना क्योंकि ज्यादा पावरफुल आत्मा है ना कोई बच्चा का गर्भपात हो जाता है तो कमजोर पैदा होगा या पावरफुल पैदा होगा कमजोर होगा क्योंकि शूटिंग ऐसी हुई है संगम युग में जो कृष्ण जो राधा वाली आत्मा है वो पहले आती है ज्ञान में और जो कृष्ण वाली आत्मा है वो दो तीन साल के बाद ज्ञान में आती है
तो राधा बड़ी हो गई ना। जैसी रिहर्सल होगी वैसे ड्रामा में होगा, ब्रॉड ड्रामा में पार्ट बजेगा। पहले से बता देना चाहिए, भट्टी आपकी थोड़े ही हो रही है, आप पीछे बैठ करके सुनिए चुपचाप। क्या आप टाइम वेस्ट मत करिए जिज्ञासु का, जिज्ञासु को प्रश्न पूछने दो, जो नई नई भट्टी में आए हैं उनको प्रश्न पूछने दो, उनका समाधान होने दो। आप तो रोज ही क्लास करते हैं, आप अपने टीचर से पूछिए, बाबा को लेकर के पूछिए, नहीं तो महासंगठन का क्लास होता है तब बाबा से पूछिए। दूसरे जिज्ञासु का, नए नए जिज्ञासु का क्यों माथा खराब कर रहे हैं? पुराने पुराने तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे वो बेचारा, नया तो भाग ही जाएगा उठ के। पुराने लोग उनको कहो चुपचाप बैठो, क्लास आपका नहीं हो रहा है, भट्टी आपकी नहीं हो रही है, आप सहयोगी बनने के लिए आए कि विरोधी बनने के लिए आए? आप जिज्ञासुओं का टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं या इनका टाइम सफल करने के लिए आए? और बाबा अद्वैतवाणी में बाबा ने कहा है ज्योतिर्बिंदु सिर्फ आपकी याद में रहने से क्या नापी ही मर्ज हो जाएगा। ज्योतिर्बिंदु सिर्फ आपकी याद में रहने से क्या नापी ही मर्ज हो जाएगा, चाहे बुढ़ा बुढ़िया ही क्यों ना हो। अब कैसे तुरंत इमर्ज हो जाएगा या टाइम निश्चित है उसके बाद इमर्ज हो जाएगा? बुढ़िया ने बाप को याद किया तो याद करते ही तुरंत ज्ञान इमर्ज हो जाएगा या उसका टाइम कुछ नुदा हुआ है, वो टाइम आने के बाद वो उसका पुरुषार्थ पूरा होने के बाद फिर ज्ञान इमर्ज हो जाएगा? पूरी है घी में डाली गई तो वो नीचे बैठ जाती है, उसका कुछ टाइम है या डालते ही ऊपर आ जाती है? हैं? अरे बताओ ना, पूरी पकते हुए नहीं देखा? देखा ना, खाते हुए देखा क्या? हैं? ऊपर आती है ना, तो ऊपर आने में टाइम लेती है कि नहीं? तो ऐसे ही बाबा की याद जब परिपक्व हो जाएगी, याद करते करते प्रैक्टिस पक्की पड़ जाएगी तो आत्मा में ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। कैसे बुरी बुरी माताएं हैं, तो जबरदस्ती क्यों करना? ये तो जबरदस्ती करना, हिटलर शाही हो गई ना। नहीं सुना पाता है तो उसे और सहयोग दो, न कि दबाव डालना है, उसकी बेइज्जती करना है। जैसे हम तो बता देते हैं, ऐसी सुनाओ तो सुना देते हैं। तो उन्हें सहयोग थोड़ा सहयोग देना चाहिए ना। है सारी जिंदगी में उन्हें तो रहम आना चाहिए बूढ़ी माताओं के ऊपर,
सारी जिंदगी में बच्चे पैदा करते करते उनकी पालना करते करते सारी ताकत तो माताओं की निकल गई, खोखला रह गई। अब खोखली जो रह गई है आत्माएं, इनके पास कुछ भी नहीं रहा, अब उनके ऊपर तो रहम करना चाहिए ना, उनके ऊपर दबाव थोड़े है, कुछ भी नहीं सुना पा रही है। रे रे रे। शिव बाबा की याद सुनाई, ये शिव बाबा की याद कैसे करना, सुना दे। भगवान की याद से सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। कोई आत्मा ज्ञान में फेल, सेवा में फेल, धारणा में फेल, योग में पास, तो पास होगी कि फेल होगी? पास होगी। ज्यादा नहीं करना है, तो उसके हम क्या करना चाहिए? तो उनको सुनने की इच्छा है, नहीं रुकना नहीं चाहते। आप चले जाओ, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जाओ। तो व्यक्ति उसके सहारे आता है, तो व्यक्ति सुन आ गए ना, सुन रहे ना, वो उसके सहारे आता है ना, कि वो लेके जाएगा रास्ता, तो पता चलता है। तो आप तो रास्ता जान लिया ना, आ गए, रास्ता जान लिया, वो अपने आप चला जाएगा। बोलता मेरे पास कम टाइम है, 15 मिनट। जिज्ञासु बोलता है, जिज्ञासु को लाने वाला बोलता है, ये तो लाने वाले की बात कर रहे हैं। सुनने वाला ज्यादा सुनना चाहता है, गहराई से सुनना चाहता है, प्रश्न उत्तर करना चाहता है, तो उसको गहराई से फाउंडेशन डालना चाहिए ना। क्या करते हो? पहले ज्ञान सुनना है, फिर नाश्ता करना है, तो अच्छा बात है। किसी को भूख लगी तो खाना खिला दो, यज्ञ में कमी है क्या? ताजमहल वो पहले मतलब शिव का मंदिर था, उसके उसका नाम था ताजो महल है। तो उसका उस मतलब उसको हटा के फिर ताजमहल बनाया, ताजमहल बनाया मुसलमानों ने। बहुत सी मस्जिदें ऐसे ही बनी हुई हैं, मंदिरों को तोड़ करके उन्होंने मस्जिद बना दी, अपनी सुर्री खड़ी कर दी। सुर्री का मतलब सुरैया छोड़ने वाले, अज्ञान की बातों की सुरैया छोड़ते हैं। माया क्या करती है? है माया बाप को छुपाने, बाप के पार्ट को छुपाने के लिए क्या करती है? झूठी झूठी बातों की सुरैया छोड़ती है ना। तो जो बाप के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, वो भी है ठंडे हो जाते हैं, निश्चय में आते आते ठंडे हो जाते हैं। कोई तो ऐसे एडवांस कोर्स ले लेते हैं और तथाकथित ब्रह्मा कुमारी कुमारियों के द्वारा जो माया के मुरीद हैं पहले से ही, उनके द्वारा वो ग्लानी की सुरैया या ग्लानी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, बस वो फाँव हो जाते हैं, आते ही नहीं दोबारा। मस्जिद बना दी, उसको मंदिर तोड़ दिया, और है किसी को क्रोध नहीं करना, किसी के ऊपर क्रोध
हाँ कान मरोड़ दो, छोटे कमरे में बाथरूम में बंद कर दो, खाना मत दो, फिर भी नहीं माने, खाना नहीं दे तो मानेंगे नहीं है। थप्पड़ क्यों लगे? थप्पड़ लगाने के लिए कहाँ बोला बाबा ने? ये तो आपका क्रोध है जो कंट्रोल में नहीं होता, नहीं तो बाबा ने जो बोला है वही काम करो ना, हाथ पांव बांध दो। ऐसे भक्ति मार्ग में तो हिसाब बनाया हुआ है बच्चों के लिए, पंच वर्षाण लाड़ते, दस वर्षाण ताड़ते, तत्पश्चात पुत्रेण मित्रवत समाचरो। माना 5 साल तक प्यार देना चाहिए बच्चे को, 10 साल तक उसे ताड़ना में रखना चाहिए, डांट डपट में रखना चाहिए, 10 साल के बाद फिर बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करो। और बाबा है धारण करती धारण करती होगी, मनुष्य में ज्यादा इंद्रियां हैं, ज्यादा इंद्रियां होने के कारण ज्यादा सुख दुख भोगता है, पशु पक्षियों में उतनी इंद्रियां नहीं है तो कम सुख भोगते हैं, कम दुख भोगते हैं। जानवर की आत्मा को मनुष्य में प्रवेश कर, किसी ने बकवास कर दी होगी। नहीं, जैसे कि मनुष्य में सुख प्रवेश होता है, मनुष्य की आत्मा मनुष्य प्रवेश करते हैं, सुख प्रवेश हो जाते हैं, तो जानवर की आत्मा जानवर में सुख प्रवेश करते जानवर आता है। हो सकता है, हो सकता है, जैसे कोई बंदर है शांत स्वभाव का देखने में आता है, अचानक उसमें परिवर्तन देखने में आता है, बहुत उछल कूद करता है, बहुत गड़बड़ करता है, तो क्यों ऐसे हो रहा है, दोहरा पाठ क्यों बजा रहा है? तीन कलर हाँ, काला हाँ, तीन कलर और किसी को अगर यही कलर पसंद हो, उसने पूछा किसी को कलर पसंद हो, हाँ तो किसी को विषय वासना पसंद है तो पसंद तो वो करेगा ना, हरे में भी अनेकता होती है, एक लाइट ग्रीन होता है, एक बहुत गहरा ग्रीन होता है, तो विषैला रंग जो है ज्यादा गहरा होता है, वाले लोग कन्याओं को जैसे उंगली उठाते हैं, जैसे कन्याओं उंगली उठाते हैं क्या बाहर की दुनिया के लोग? हाँ, कैसे कबूतर खाना बनाते तो आके बात करो ना मैं कन्याओं से, तो बोलते हैं ऐसे, तो उनसे कहते क्यों नहीं आप आकर के बात करो, चलो हम ले चले तुम्हें कन्या के पास, देख के मतलब सब कोर्स भी करके देख के भी चले गए। हाँ, उंगली उठाते तो उनसे कहो कन्या को समझाओ ना, चल के बोलते हैं ना सो दे ना सोने, है? ना सोते हैं और ना सोने देते हैं।
न सोते हैं न सोने देते हैं। क्यों? सुबह सुबह चला देते हैं। क्या चला देते हैं? मूली चला देते हैं। तो जैसे ये तो कन्याओं को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बाहर के लोग हैं आस पड़ोस में, तो इतनी जोर से लाउड स्पीकर लगा करके चलाने की क्या जरूरत है, दूसरों को डिस्टरबेंस हो जाए। अपने घर के अंदर आवाज आई उतनी काफी नहीं है। जैसे कम भी करे बाबा तो भी जिसका इरादा नहीं ऐसे है तो जब उनके उनके घर में आवाज ही नहीं जाएगी तो काहे के लिए बोलेंगे। ऐसे ही जवाब दो, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें इतनी अकल नहीं है कि पड़ोसियों के पास जोर से आवाज जाएगी तो उन्हें डिस्टर्ब, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। उनको समझाना है, समझा देंगे। तो मना कर रही है वो भी। अरे है कोई? हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं सब तीर्थ को बार बार गंगा सागर एक बार। हाँ, इसका बेहद का अर्थ क्या है? इसका बेहद का अर्थ यह हुआ कि ज्ञान सागर से निकली हुई जो नदियाँ हैं, बादल बनकर के फिर नदियाँ बनती हैं, वो नदियाँ मैं पहाड़ से उतर करके मैदान में आकर के कचरा ढोती ढोती कचरे को किनारे पे फेंकती फेंकती आखिरी जाकर के कहाँ मिलती हैं? है सागर में मिलती हैं। वो तो स्थूल नदियों की बात हो गई, और यहाँ यहाँ कौन सी नदियाँ? ज्ञान की चैतन्य नदियाँ। ये जो ज्ञान की चैतन्य नदियाँ कहाँ से निकली? सागर से निकली, यज्ञ के आदि से ही। ये ऊंची स्टेज से निकली, अब ये बहते 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 नीचे जाते 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 कचरा जात जात का मनुष्यों का कचरा लेते 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 नीचे गिर रहे कि नहीं? जब नीचे गिर जाती है तो सागर में मिल जाती है, सागर उनको अपने ले अपने में समा लेता है। चाहे गंगा हो, बहुत पवित्र मानी जाने वाली नदी, और चाहे यमुना हो, काला कचरा धोने वाली। जैसे यमुना में दिल्ली में 7 बड़े बड़े नाले गिरते हैं गंदे गंदे, और शहरों में भी गिरते हैं। तो नदियों का आखिरी हसर क्या होता है? जहाँ से निकली है भाई वही समा जाती है। वास्तव में गंगा सागर का मेला नहीं है क्या? गंगा दिखाते हैं कि सागर में मिल गई, लेकिन वास्तव में गंगा पहले ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, बाद में ब्रह्मपुत्रा नदी में जल ज्यादा है। ब्रह्मपुत्रा नदी जाकर के सागर में मिलती है। ब्रह्मपुत्रा तो पार्वती है, पार्वती को तो गोद में बैठाया हुआ है, और गंगा को सर पे चढ़ाया हुआ है। तो बड़ी कौन है, छोटी कौन है, अम्मा कौन है, बेटी कौन है? बेटी गंगा बड़ी है, गंगा बेटी हो गई, माँ माँ हो गई। तो बेटी तो पहले माँ की गोद में जाएगी ना, सीधी कहाँ सागर में जाती है? सागर तो बाप है। तीसरे अध्याय 24वां श्लोक है।
मैं विश्व निर्माता कार्य न करूँ तो ये मनुष्य समूह नष्ट हो जाए और मैं वर्ण शंकर प्रजा का करने वाला बनूं और अंततः इस ब्राह्मण वर्णावली प्रजा का विनाश कर देगी। कौन सी बात नहीं समझ में आई इसमें, तो लंबी चौड़ी बात बहुत बातें बताई। मैं विश्व नवनिर्माण का कार्य न करूं हाँ। तो ये मनुष्य समूह नष्ट हो जाएगा हाँ। श्लोक पढ़ो। उसी दे कर्म चेहतम चेदहम संपरस्य चकर्ता कर्ता श्याम उपान्यामी प्रजा। माना भगवान को भी आके कर्म करना पड़े इस सृष्टि पर। भगवान आकर के जिस तन में प्रवेश करता है उस तन के द्वारा कर्म इंद्रियों से अगर कर्म न करे तो ये सृष्टि ही नहीं चलेगी, बनेगी नहीं सृष्टि। जैसे सामान्य मनुष्य जो है अगर कर्मेंद्रिय से कर्म नहीं करेगा तो उसकी वंशावली चलेगी नहीं चलेगी, वो इंडिविजुअल बात हो गई। ये सारी सृष्टि की बात है, बेहद की बात है। इसलिए भगवान को भी आकर के बेहद की गृहस्थी बनानी पड़ती है। उस बेहद की गृहस्थी में उसे कर्मेंद्रियों से कर्म करने पड़ते हैं। मुख्य कर्मेंद्रिय की तो यादगार शिव के मंदिर में दिखाइए, जिससे प्रजा पैदा होती है। दिखाइए कि नहीं दिखाइए, क्यों दिखाइए? रसगुल्ला कब याद आता है? खाया होगा तो याद आएगा, तो वो भी इंद्रियों का सुख है। जिनको इंद्रियों का सुख मिलता है वो आकर्षित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि आकर्षित हो जाती है। बुद्धि आकर्षित हो जाती है तो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। सहयोगी बनते हैं तो प्रजा बढ़ेगी ईश्वरीय प्रजा या घटेगी? है बढ़ेगी ना। और अंततः इस ब्राह्मण वर्णावली प्रजा का विनाश कर देती है। हाँ, अगर मैं कर्म न करूं तो इस सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश हो जाएगा फिर क्या बचेगा? फिर क्या नई दुनिया आएगी? एटम बम से दुनिया तो ये खलास हो जाएगी, फिर आगे तो सृष्टि रची नहीं जाएगी। जो है वो दिल से मिले हुए नहीं होगा, मजबूरी से मिले हुए, तो दिल से मिल पाएंगे? हाँ, जब विजय माला में ऐड होंगे तो संघ का रंग लग जाएगा। और बाबा ने अत्री शिक्षा, बाबा ने अत्री का अर्थ बताया ना, आ माने तीन माने तीन नहीं अनुसुईया उनको अपना पति मानती है। अनुसुईया उन्हें अपना पति मानती है जो अत्री है। हाँ, न ब्रह्मा है न विष्णु है न शंकर है, शिव बाबा शिव है। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही था, यज्ञ के आदि में भी कोई तो होंगे। नंबर बार, हर धर्म के पूर्वज होंगे या नहीं होंगे? हा, तो देवी देवता सनातन धर्म में दो हैं छेड़े, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो बाप है सूर्य, फिर जगदम्बा को कहा जाता है सरस्वती जगदम्बा,
ब्रह्मा की क्या है, बेटी है, तो उनको जन्मदाता कौन हुआ है? जन्मदाता कोई हुआ कि नहीं हुआ है? अरे ब्रह्मा, ब्रह्मा तो अम्मा ही पैदा कर देगी है? माता भी होगी तो पिता भी होगा। अनुसुईया का पुत्र चंद्रमा दिखाते ना, चंद्र को अनुसुईया का पुत्र दिखाते हैं। किसको? चंद्रमा को अनुसुईया का पुत्र दिखाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मना ब्रह्मा को संदेश देने के लिए नहीं। तो फिर पुत्र को दिखाते हैं? चंद्रमा को पुत्र दिखाते हैं अनुसुईया का पुत्र? उसे वर्षा नहीं दिया जाता है फिर? और है बाहर वाले मनन चिंतन मंथन नहीं करते ज्ञान का है? तो कम करते हैं तो कम बात करते हैं। जो ज्यादा मनन चिंतन मंथन करते हैं उनसे ज्यादा बात करते हैं। नंबर बार है ना भी हद के बच्चे, जैसे हद के बच्चे भी नंबर बार होते हैं, कोई बड़ा बच्चा होता है कोई छोटा होता है, ऐसे बेहद में भी कोई बड़े बच्चे हैं बड़ा काम करके दिखाते हैं, कोई छोटी सर्विस करके दिखाते हैं। ओम शांति। अभी तक सोते रहे थे क्या?